नमस्कार। आप सबको पता है कि हमने पिछले 2 वर्ष से एक नई परंपरा शुरू की है। एक तो बजट को हमने 1 महीना पहले प्रीपोन किया है और 1 अप्रैल से बजट लागू होता, तो इन बिटवीन हमें 2 महीने तैयारी के लिए मिल जाते हैं। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि बजट के प्रकाश में सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर के प्राइवेट, पब्लिक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट, बजट के लाइट में हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को जमीन पर कैसे उतारें, सीमलेसली कैसे उतारें और ऑप्टिमम आउटकम उस पर हमारा बल कैसे हो, इसमें जितने आप लोगों के सुझाव मिलेंगे उससे शायद सरकार को अपनी निर्णय प्रक्रिया को भी सरल करने में सुविधा होगी, इम्प्लीमेंटेशन का रोडमैप भी अच्छा बनेगा। और फुल स्टॉप कॉमा के कारण कभी कभी एक आध चीज 6-6 महीने तक फाइलों में लटकती रहती है, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम आप लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, आपके सुझावों को लेकर के चलना चाहते हैं। ये चर्चा बजट में ऐसा होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था, इसके लिए तो संभव नहीं, क्योंकि वो काम पार्लियामेंट ने कर लिया है। लेकिन जो कुछ भी है उसका अच्छे से अच्छा फायदा जनता तक कैसे पहुंचे, देश को कैसे मिले और हम सब मिलकर के कैसे काम करें, इस हेतु से हमारी ये चर्चा है। आपने देखा होगा इस बार बजट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े जो निर्णय हुए हैं, ये सारे निर्णय वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। बजट की घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही तेजी से हो, ये वेबिनार इस दिशा में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। फ्रेंड्स, हमारी सरकार के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सिर्फ एक आइसोलेटेड सेक्टर नहीं है, आज इकोनॉमी की फील्ड में हमारा विजन डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक जैसे आधारों से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हमारा डेवलपमेंट विजन एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पब्लिक सर्विसेज और लास्ट माइल डिलीवरी भी अब डेटा के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रही है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। और जब मैं भारत के आत्मनिर्भरता की बात करता हूं, तो आज भी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का भाषण सुबह सुना होगा, उन्होंने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। अमेरिका में मेक इन अमेरिका के लिए उन्होंने आज बड़ा जोर दिया है। और इसलिए हम जानते हैं कि दुनिया में जो नई व्यवस्थाएं बन रही है उसमें हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भरता के आगे बढ़े। और इस बजट में उन चीज़ों को बल दिया हुआ आप देखते होंगे। फ्रेंड्स, इस बार हमारे बजट में सनराइज सेक्टर्स पर खास जोर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल सिस्टम्स, ड्रोन से लेकर सेमीकंडक्टर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी तक, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और क्लीन टेक्नोलॉजी से लेकर 5G तक, ये सभी सेक्टर्स आज देश की प्राथमिकता है। बजट में सनराइज सेक्टर्स के लिए थीमेटिक्स फंड को भी प्रमोट करने की बात कही गई है। आप जानते हैं कि बजट में इसी साल
5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर बहुत स्पष्ट रोड मैप बताया गया है। देश में स्ट्रॉन्ग 5G इकोसिस्टम ने इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI स्कीम्स प्रपोज की गई है। मैं अपने प्राइवेट सेक्टर को विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि इन फैसलों से जो नई संभावनाएं बन रही है उस पर डिटेल डिस्कशंस आप लोग जरूर करें और कॉन्क्रीट सुझावों के साथ हम एक सामूहिक प्रयास से आगे बढ़े। साथियों, कहा जाता है कि साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। साइंस के सिद्धांतों से हम परिचित हैं लेकिन टेक्नोलॉजी का उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ईज ऑफ लिविंग इसके लिए कैसे करें, हमें इस पर भी जोर देना होगा। आज हम तेजी से घरों का निर्माण कर रहे हैं, रेल, रोड, एयरवे, वाटरवे और ऑप्टिकल फाइबर भी अभूतपूर्व निवेश हम हो रहा है। इसमें और गति लाने के लिए PM गतिशक्ति के विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस विजन को टेक्नोलॉजी से निरंतर कैसे मदद मिल सकती है, इस पर हमें काम करना होगा। आपको पता है कि हाउसिंग सेक्टर में देश के 6 बड़े लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। घरों के निर्माण में हम आधुनिक टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी गति और कैसे तेज कर सकते हैं, इसे और विस्तार दे सकते हैं, इस पर भी आप सबका सहयोग हमें चाहिए, सक्रिय योगदान चाहिए और इनोवेटिव आइडियाज के साथ चाहिए। आज मेडिकल साइंस हम देख रहे हैं, मेडिकल साइंस भी करीब करीब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। अब ज्यादा से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स का निर्माण भारत में हो और भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के हो, उसमें टेक्नोलॉजी की कैसे मदद ली जा सकती है, इस और भी हम सबको मिलकर के ध्यान देना है और शायद आप ज्यादा अच्छा उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज आप देखिए एक क्षेत्र जो इतना तेजी से फला फूला है, गेमिंग का। अब विश्व में इसका बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, युवा पीढ़ी बड़ी तेजी से जुड़ गई है। इस बजट में हमने AVGC यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक पर बहुत जोर दिया है। इस दिशा में भी जब भारत IT का संबंध में दुनिया में अपनी इज्जत कमा चुका है, हम अब स्पेसिफिक ऐसे एरिया में अपनी ताकत खड़ी कर सकते हैं। क्या आप अपने प्रयास इसमें बढ़ा सकते हैं? इसी तरह भारतीय खिलौना का भी बहुत बड़ा मार्केट है और आज जो बच्चे हैं उनको खिलौनों में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होना उसकी पसंद होती है। क्या हम हमारे देश के बच्चों के अनुकूल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए खिलौने और उसका दुनिया में मार्केट एक ऐसा क्षेत्र बन सकता है, हम सोच सकते हैं क्या? ऐसे ही कम्युनिकेशन सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी हम सबको हमारे प्रयासों को और अधिक गति देने की जरूरत है। सर्वर भारत में ही हो, विदेशों पर निर्भरता कम से कम हो और कम्युनिकेशन के संबंध में सिक्योरिटी एंगल नया नया जुड़ता चला जा रहा है, तो हमें बड़ी जागरूकता के साथ इस ओर अपने प्रयास बढ़ाने ही होंगे। फिनटेक के संबंध में भी भारत ने पिछले दिनों कमाल कर दिया है। लोग मानते थे कि हमारे देश में एक क्षेत्र में कैसे बढ़, लेकिन मोबाइल फोन से भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में जिस प्रकार से हमारे गांव भी जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ फिनटेक में भी ज्यादा से ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी का समावेश आज हमारे लिए समय की मांग है। इसमें सिक्योरिटी भी है। फरवरी 2020 में
देश ने जियो स्पेशल डेटा को लेकर पुराने तौर तरीके बदल दिए हैं। इससे जियो स्पेशल के लिए इन्फिनिट न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है। हमारे प्राइवेट सेक्टर को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथियों, कोविड के समय हमारी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी से लेकर वैक्सीन प्रोडक्शन तक हमारी रिलायबिलिटी को दुनिया ने देखा है। इसी सक्सेस को हमें हर सेक्टर में रिप्लिकेट करना है। इसमें हमारी इंडस्ट्री की, आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश में एक रोबस्ट डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी बहुत जरूरी है। डेटा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए डेटा गवर्नेंस भी आवश्यक है। ऐसे में इसके स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स भी हमें सेट करने होंगे। हम इस दिशा में कैसे आगे बढ़े, आप सभी मिलकर एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं अपने स्टार्टअप्स को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ पूरी शक्ति से खड़ी है। बजट में युवाओं की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए पोर्टल का प्रस्ताव भी रखा गया है। इससे युवाओं को एपीआई बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स, पेमेंट और डिस्कवरी लेयर्स के जरिए सही जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फ्रेंड्स, देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हमने 14 की सेक्टर्स में 2,00,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम शुरू की है। इस वेबिनार में से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रैक्टिकल आइडियाज की अपेक्षा है। मुझे सीमलेस इंप्लीमेंटेशन के रास्ते आप हमें सुझाइए। सिटीजन सर्विसेज के लिए हम ऑप्टिक फाइबर का और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारे गांव का, दूर दराज का विद्यार्थी भी हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट एजुकेशन सिस्टम का लाभ इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने घर में कैसे ले सकता है, मेडिकल सेवाएं कैसे ले सकता है, एग्रीकल्चर में इनोवेशन का लाभ किसान, मेरा छोटा किसान कैसे ले सकता है। जब उसके हाथ में मोबाइल है, दुनिया में सारी चीजें अवेलेबल हैं, हमें इसको सीमलेसली कनेक्ट करना है। मैं चाहता हूं इसके लिए मुझे आप सभी महानुभावों से इनोवेटिव सुझाव की जरूरत है। साथियों, ई वेस्ट जैसी टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो चुनौतियां विश्व के सामने हैं, उनका समाधान भी टेक्नोलॉजी से ही होगा। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि इस वेबिनार में आप सर्कुलर इकोनॉमी, ई वेस्ट मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी सॉल्यूशंस पर भी फोकस करें, देश को निर्णायक समाधान दें। मुझे पूरा भरोसा है आपके प्रयासों से देश अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचेगा। और मैं फिर से कहूंगा, ये वेबिनार सरकार की तरफ से आपको ज्ञान परोसने का नहीं है। ये वेबिनार आपसे सरकार को आइडिया चाहिए, आपसे सरकार को नए नए तौर तरीके चाहिए ताकि गति कैसे बढ़े और हम जल्दी से जल्दी पैसे जो लगाए, बजट खर्च किया सोचा है, उसको हम पहली त्रिमाही में ही कुछ करके दिखा सकते हैं क्या, टाइम बाउंड प्रोग्राम बना सकते हैं क्या। मुझे विश्वास है आप इस फील्ड में हैं, आपको हर बारीकियों का पता है, कहाँ कठिनाइयाँ हैं उसका पता है, क्या करने से अच्छे से अच्छे तरीके से हो सकता है, तेज गति से हो सकता है, आपको सब पता है। हम मिलकर बैठ करके इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको इस वेबिनार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।